6 दिन बाद मैंने व्लॉग डाला और मेरे पास कमेंट आया एक बहुत बड़े शेफ का, जिनका नाम है भरत किचन। मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, भरत सर की वीडियोस देखकर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं एंड उनका कमेंट आया हमारे व्लॉग के ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार मैं फटाफट से बर्गर बन और पिज्जा बेस सैंडविच ब्रेड लेकर मैं घर पहुंच जाता हूँ और घर आने के बाद मेरे को फटाफट से सैंडविच ट्राई करना था, क्योंकि हमारा सैंडविच ना सही से कभी बन ही नहीं रहा था। तो इस सैंडविच में मैं गलती क्या कर रहा था, मैं सैंडविच के बेस के ऊपर बहुत सारी चीज मेयोनीज और दूसरी सॉसेज लगा रहा था और उसके बाद जितनी भी वेजेस हैं वो डाल रहा था। एंड हमारे सैंडविच को अगर हम बनते ही खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही सैंडविच पैक करने के बाद जोमेटो के थ्रू कस्टमर तक पहुंचता है, जाते जाते सोगी हो जाता। तो भरत सर ने हमें आइडिया दिया कमेंट सेक्शन में कि आप सैंडविच को अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपका सैंडविच बिल्कुल भी सोगी नहीं होगा। एंड उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया अपनी क्लाउड किचन जर्नी के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच सर, आपका अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।